दुष्कर्म के आरोपी ने पुलिस की राइफल छीनकर पुलिस टीम पर किया फायर। दुष्कर्म आरोपी पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। आत्म सुरक्षा बचाव में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी के पैर में मारी गोली, हुआ घायल। आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर ला रही थी थाने। रात में नाबालिग बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म। बड़ी बहन के जागने पर आरोपी घर से भागा था। आरोपी का CHC मल्लावा में चल रहा प्राथमिक उपचार। मौके पर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी पुलिस बल के साथ मौजूद। मल्लावा थाना क्षेत्र के लग्जरी पूर्वा का है मामला। ये लग्जरी पूर्वा है थाना मल्लावा में। इसका एक कदर नाम का व्यक्ति, जिसके बारे में ज्ञात हुआ है कि शायद अन्य अपराधों में भी कभी जेल गया है, वो अपने घर के ठीक सामने जो रहते हैं, कल रात में उनके घर में कूद गया था, उनकी मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और बड़ी बेटी के जागने पर भाग गया था। पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया, वो उसकी तलाश की गई, वो हिरासत में लिया गया। थाना ले आते समय वह आरक्षी की राइफल छीनकर भागा, वह रोकने पर उसके द्वारा फायर किया गया पुलिस पर। पुलिस द्वारा हिम्मत अमली से आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें उसके पैर पर गोली लगी है। वह इस समय CHC मल्लावा में